प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आप सभी दर्शकों का इस बीसीडी में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, अमेजिंग ग्रेस के जीवन के सफर में आप में से बहुत हैं जो आरंभ से ही हमारे साथ रहे हैं। आप जानते हैं, अमेजिंग ग्रेस एक वो समूह है जो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ है। आरंभ में कुछ ही भाई बहन थे जो एक प्रार्थना समूह के रूप में आपस में मिला करते थे, लेकिन आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने असीम अनुग्रह में होकर उन प्रार्थनाओं का जवाब देना आरंभ किया। उद्धार का आनंद बहने लगा। बहुत सारी असाध्य बीमारियों से परमेश्वर ने अपने बच्चों की दुहाई सुनकर उन्हें चंगा करना आरंभ किया। कैंसर, एड्स, मधुमेह और कोढ़ जैसी बीमारियों से भाई और बहन चंगे होने लगे। परमेश्वर को महिमा मिली। अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, दुष्टात्माओं से ग्रसित व्यक्ति आज़ाद होने लगे। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बहुत से भाई बहन ऐसे थे जो बेरोजगार थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें रोजगार देकर उनके जीवन को आनंद दिया। बहुत से टूटे परिवार थे, परमेश्वर ने उनके परिवारों में मेल मिलाप का आनंद दिया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है, वो अपनी प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरा करता है। आप विश्वास करें, आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुनने बैठे हैं तो आप निश्चित रूप से इस बात को अपने मन के अंदर ठान लें और प्रार्थना करें, परमेश्वर आज आप मेरी प्रार्थना का जवाब देने जा रहे हैं। निश्चित रूप से परमेश्वर आपकी प्रार्थना का फल आपकी गोद में देगा। भाई अजीत होरो और अमेजिंग ग्रेस टीम को परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है। असंख्य भाई बहनों ने दूर दूर देशों में इस सेवा के द्वारा बहुतायत से आशीषों को प्राप्त किया है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं, पुस्तकें, पत्रिकाओं, कैसेट्स, सीडीज और अब इस वीसीडी, बहुत सी आराधना सभाओं और सबसे बढ़कर परमेश्वर के वचन के भिन्न भिन्न माध्यमों के द्वारा परमेश्वर ने बहुतों को आशीष दी है और दे रहे हैं। हमारा विश्वास है, आज के दिन जब आप अपने कमरे में किसी भी परिस्थिति में क्यों ना बैठे हों, यदि आप निराश हैं, यदि आप अंधेरे में हैं, आप लाचारी में हैं, निश्चित जाने परमेश्वर निराश और लाचार नहीं है, वो हमारी प्रार्थनाओं की ओर मुख करता है। मेरे प्रियो, सबसे अधिक धन्यवाद का विषय हमारे लिए आज के दिन ये है कि रेडियो कार्यक्रम अनुग्रह और अनुग्रह बाइबल अध्ययन माला के द्वारा असंख्य भाई बहनों तक अमेजिंग ग्रेस ने परमेश्वर की पहचान कराई है। इस कार्यक्रम के द्वारा बहुत से भाई बहनों के हजारों और लाखों पत्र हमें प्राप्त होते हैं। आप धन्यवाद दें, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे अपने ही बहुत भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने इन असंख्य आशीषों को परमेश्वर से प्राप्त किया है। मेरे प्रियो, आज का दिन हमारे लिए एक आनंद का दिन है। परमेश्वर न केवल रेडियो कार्यक्रम के द्वारा लेकिन इस वीसीडी के द्वारा भी आपसे आज के दिन बात करेंगे, आपके घर में, आपकी परिस्थिति में। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूँ, ये भवन जो इस समय आप देख रहे हैं, ये कोई व्यावसायिक स्टूडियो नहीं है। इस समय आप रिकॉर्डिंग के टाइम में जब भाई अजीत होरो वचन का प्रचार करेंगे, आप बहुत सी आवाजों को सुनेंगे, शायद कार की या शायद किसी और प्रकार की ध्वनि। और इसका अर्थ ये है, हम किसी व्यावसायिक स्टूडियो में नहीं है, हम उस भवन में है जिसे आपने अपने खून पसीने की कमाई से बनाकर खड़ा किया है। और हम चाहते हैं हम आपके दिल के नजदीक रहें और आप हमारे, और हम सब मिलके परमेश्वर के नजदीक रहें। परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, वायुमंडलीय सहभागिता का गठन इस अनुग्रह कार्यक्रम के द्वारा हुआ। बहुत से ऐसे भाई बहन जिन्होंने आपकी और मेरी तरह कभी किसी परमेश्वर के सेवक को नहीं देखा, लेकिन ये रेडियो ही उनका चर्च बन गया, ये रेडियो ही उनकी आराधना का स्थान बन गया और उन्होंने उपवास के साथ बैठकर परमेश्वर की भक्ति और आराधना करना आरंभ किया। और आज के दिन हमारा हृदय धन्यवाद से भरा है। असंख्य वायुमंडलीय सहभागिताएं जगह ब जगह पूरे भारतवर्ष में अपने कार्य को कर रही हैं और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, पौलुस ने लगाया, अपोलोस ने सींचा, लेकिन परमेश्वर ने बढ़ाया है। सारी महिमा और आदर हम परमेश्वर को देते हैं। भाई अजीत होरो और आपका परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर आप में से हर एक को आशीष दे। तो देर किस बात की, आइए मजदूरों की मजदूरी की आवाज के साथ, कार और स्कूटर की ध्वनि के साथ, बहुत से जीवन की उथल पुथल के साथ हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। और हम जानते हैं आज जो आप वचन सुनने जा रहे हैं उसे आप अनुग्रह पत्रिका, बहुत सी पुस्तकों जो भाई अजीत होरो के द्वारा लिखी गई है,
कैलेंडर के माध्यम से जो परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचता है, गीतों और वचनों के कैसेट्स और सीडीज के द्वारा भी आप अपने जीवन में आने वाले दिनों में आशीषों पर आशीष प्राप्त करते रहेंगे। तो मेरे प्रियो, मेरी प्रार्थना है इस समय, ये पूरा समय परमेश्वर आपको अपने पंखों तले छिपाए रखे और एक एक क्षण आप उसकी आत्मा में डूबते और डूबते चले जाएं। आमीन। आज के वचन पर आधारित बाइबल पद दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय और उसके आठवें पद से आगे, यहाँ यूँ लिखा है, एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वो उधर से जाता तब तब वहाँ रोटी खाने को उतरता था। ग्यारहवें पद से आगे, एक दिन की बात है कि वो वहाँ जाकर उस उपरोठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा उस शूनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वो उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह दे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा व प्रधान या सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वो द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वो अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सिर, आह मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वो उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया और फिर दोपहर तक वो उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने उसे चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया और तब उतर गई। आगे हम देखेंगे 32 पद से, जब एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। 35वां और अंतिम पद, तब वो उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। परमेश्वर आज के वचन पर, जिसका विषय है और उसने किवाड़ बंद किया, हमें से हर एक को सुनने और समझने की आशीष दे। आमीन। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी मित्रों का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे अति प्रिय मित्र, इस समय जब आप इस वीडियो कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं नहीं जानता आप किन परिस्थितियों में बैठकर इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। शायद कोई बहुत लंबी बीमारी की पीड़ा आपके जीवन को सताती है। संभवतः आपने अपना रोजगार खो दिया है। मेरे अति प्रिय मित्र, संभवतः आपको अपने उन मित्रों से जिन पर आपने बहुत अधिक विश्वास किया, आपको धोखा मिला और आज आप आंसू बहाते हुए इस वीडियो कार्यक्रम को देख रहे हैं। मेरे अति प्रिय मित्र, संभवतः आपके अपने मित्रों ने, आपके अपने बच्चों ने, आपके अपने पति, आपकी अपनी पत्नी ने संभवतः आपको छोड़ दिया है और इस समय बड़ी आशा के साथ आप इस वीडियो कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपकी आशा ये है कि आज परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आज इस विश्वास के साथ आप यहाँ पर बैठे हैं कि परमेश्वर आपके जीवनों के अंदर कार्य करेगा। तो इस समय इस कार्यक्रम के द्वारा मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ, आपके विश्वास के अनुसार आज परमेश्वर आपके जीवनों के अंदर कार्य करने जा रहा है। हालेलुया, मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। हाँ मेरे अति प्रिय मित्र, आप चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, मैं नहीं जानता, लेकिन विश्वास करें, एक है जो कि जानता है। हमारा सामर्थ्य परमेश्वर सब कुछ जानता है। उसने अपने वचन धर्मशास्त्र बाइबल में इस प्रकार से कहा, मेरी आंखें पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य को निहारती हैं। आज शायद आप आंखें भरते हैं, मुझको देखने वाला कोई नहीं। आज आप आंखें भरते हैं, मुझको समझने वाला कोई नहीं। लेकिन विश्वास करें, ये भाई अजीत होरो के शब्द नहीं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। स्वयं परमेश्वर इस समय स्वर्ग से आपकी ओर अपनी आंखों को लगाए हुए है। इस समय वो आपको देख रहा है। मेरे अति प्रिय मित्र, इस समय विश्वास करें, उसकी आंखें इस समय आपको निहार रही हैं और इस समय आपको वो आशीष देने के तैयार है। एक घटना मुझको स्मरण आती है। आपने प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का नाम अवश्य सुना होगा और यदि आपने सुना है तो आप ये भी जानते हैं कि उसने 1000 से भी अधिक वस्तुओं का आविष्कार किया। उसके आविष्कारों के द्वारा सारी दुनिया में क्रांति आ गई। मेरे अति प्रिय मित्र, आपको पता होगा बिजली का बल्ब और चलचित्र जैसे आविष्कार
थॉमस एडिसन की देन है। उसके विषय में मैंने पढ़ा कि वो बहुत कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था और वो इतना अधिक परिश्रम करता था कि अक्सर वो प्रयोग करते करते अपनी प्रयोगशाला में ही सो जाया करता था। मेरे अति प्रिय मित्र, उसके विषय में एक बड़ी मार्मिक बात को मैंने पढ़ा। एक बार की बात है, वो अक्सर अपने जीवन के अंदर बहुत सारे प्रयोग किया करता था। मेरे अति प्रिय मित्र, अक्सर वो रात रात को जगकर अपनी प्रयोगशाला के अंदर प्रयोग किया करता था और उसके प्रयोग के बहुत सारे दस्तावेज उसकी प्रयोगशाला में रखे हुए थे। मेरे अति प्रिय मित्र, एक दिन वो किसी काम से बाजार को गया। जब वो बाजार में था, अचानक कुछ लोग वहां पर दौड़ते हुए आए और उन्होंने उसको एक घटना की सूचना दी। उन्होंने कहा कि उसके घर में आग लग गई है। मेरे अति प्रियो, उस व्यक्ति को जब पता चला, थॉमस एडिसन को जब पता चला कि उसके घर में आग लग गई है, वो समझ सकता था कि आग लगने का अर्थ क्या है। आग लगने का अर्थ ये था कि उसके सारे प्रयोग के जितने दस्तावेज थे उनका जल जाना। मेरे अति प्रियो, वहां से वो भागा और भागकर जब वो अपने घर में पहुंचा, उसने देखा सारे कागज जल करके राख हो गए हैं। मेरे अति प्रियो, उसका दिल वास्तव में टूट गया। वो वहां पर राख के ढेर में बैठ करके टटोलने लगा और अचानक, मेरे प्रियो, जब वो राख के ढेर पर टटोल रहा था, अचानक उसके हाथ में कोई चीज आ गई। वो चिल्ला चिल्ला करके हंसने लगा। मेरे अति प्रियो, लोगों को ऐसा लगा शायद थॉमस एडिसन पागल हो गया है। उसके मित्रों ने उससे कहा, थॉमस तुम्हें क्या हो गया? इस प्रकार की घटनाएं तो होती रहती हैं। इस प्रकार का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, आगे चल के फिर अपने आप को तुम संभाल सकते हो। मेरे अति प्रिय मित्र, लेकिन थॉमस एडिसन लगातार हंस रहा था। लोगों को ऐसा लगा उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। लोगों को ऐसा लगा मानो वो पागल हो गया है। मेरे अति प्रिय मित्रों, लोगों ने उससे ये पूछा, थॉमस तुम क्यों हंस रहे हो? मेरे अति प्रिय मित्र, उसने अपने हाथ को बाहर निकाला। राख के ढेर में उसे एक चीज मिली थी। जब उसने उसको बाहर निकाला, लोगों ने उससे पूछा, थॉमस तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे अति प्रिय मित्र, उसने अपने हाथ को बाहर निकाला और जब उसने अपनी मुट्ठी को खोला तो वहां पर लोगों ने देखा उसके हाथ में स्वयं थॉमस एडिसन की एक अधजली फोटोग्राफ थी। मेरे अति प्रिय मित्र, लोगों ने कहा, तुम क्यों हंस रहे हो? मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूँ, थॉमस एडिसन ने एक जवाब दिया, मैं इस समय पागल नहीं हो गया, मेरा मानसिक संतुलन इस समय बिल्कुल ठीक है। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैं जानता हूँ सब कुछ इस समय नष्ट हो गया है, मैं जानता हूँ सब कुछ इस समय जल गया है, लेकिन मैं इस समय फिर भी आनंदित हूँ कि कम से कम थॉमस एडिसन अभी भी बाकी है। मेरे अति प्रिय दर्शक श्रोता, इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल यशाया 39 और उसके 16वें पद में इस प्रकार से कहती है, स्वयं परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। मेरे प्रियो, मैं इस समय कहना चाहता हूँ, शायद बीमारी में आप इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, शायद बेरोजगारी के अंदर इस समय आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, लेकिन विश्वास करें, थॉमस एडिसन ने कहा था सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन कम से कम मेरी फोटोग्राफ को देखकर मैं जानता हूँ थॉमस एडिसन अभी तक नाश नहीं हुआ। मैं इस समय आपको कहना चाहता हूँ मेरे अति प्रियो, सब कुछ बेशक नष्ट हो गया हो, लेकिन विश्वास करें, थॉमस एडिसन की वो अधजली तस्वीर उसके हाथ में थी। मैं इस समय आपको कहना चाहता हूं, आपकी तस्वीर इस समय स्वयं परमेश्वर के हाथ में है, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। मेरे अति प्रियो, आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। आज का मेरा विषय है विश्वास और बंद दरवाजे। मेरे अति प्रिय, हमारे जीवन में अक्सर इस प्रकार की परिस्थिति आ जाती है, हम विश्वास करते हैं लेकिन कई बार हमको अपने जीवनों के अंदर बहुत सारे दरवाजे बंद दिखाई पड़ते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस समय हमको नौकरी की आवश्यकता है, हमारे लिए नए दरवाजों को खोल। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस समय हम बीमार हैं, हमको इस समय चंगाई की आवश्यकता है, हमारे लिए चंगाई के दरवाजों को खोल। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, हाँ प्रभु इस समय मेरे बच्चों के लिए नए रिश्तों की आवश्यकता है, नए रिश्तों के तू दरवाजों को खोल, लेकिन बहुत बार हम इस बात को देखते हैं, मेरे अति प्रिय मित्र, विश्वास करते हैं लेकिन दरवाजे हमारे जीवन के अंदर बंद होते हैं, हम आंसू बहाते हैं। मेरे अति प्रिय मित्र, बहुत बार हम में से हर एक के जीवन के अंदर ये परिस्थिति आ जाती है, विश्वास है लेकिन द्वार बंद है, प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन द्वार बंद है, उपवास कर रहे हैं लेकिन द्वार बंद है। ओ मेरे अति प्रिय मित्र, बहुत बार हमको कुछ होता हुआ नहीं दिखता, बल्कि हमें ऐसा लगता है जितना अधिक प्रभु के हम पास जाते हैं, हमें ऐसा लगता है जितना अधिक हम उपवास करते हैं उतनी अधिक परिस्थितियां और अधिक बिगड़ती चली जाती हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, उनसे जब मैं बातचीत करता हूं वो मुझसे इस प्रकार से कहते हैं, अजीत भाई, बड़े मन लगाकर मैंने अपने ऑफिस के अंदर कार्य किया, सबसे अधिक लगन से मैं कार्य करने वाला व्यक्ति हूं, सबसे समय से ऑफिस में आने वाला और समय के बाद ऑफिस से जाने वाला मैं व्यक्ति हूं, लेकिन मैं आपको इस समय बताना चाहता हूं, मैंने जी तोड़ मेहनत की, आज तक ऑफिस के किसी कार्य को मैंने लापरवाही से नहीं किया, लेकिन जब प्रमोशन का टाइम आया मैंने देखा मेरा प्रमोशन रुक गया लेकिन किसी और व्यक्ति को वो पद मिल गया है। मेरे अति प्रिय मित्र, हम में से हर व्यक्ति के जीवन के अंदर ऐसा लगता है कि द्वार बंद हैं। मैं इस समय आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे महान नायक हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बंद दरवाजों को महसूस किया। मेरे अति प्रिय मित्र, ऐसे परमेश्वर के बहुत सारे महान सेवक हुए हैं जिनका वर्णन हमको परमेश्वर के वचन के अंदर मिलता है और जिनके विषय में हम जानते हैं उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर बंद दरवाजों को महसूस किया। मेरे अति प्रियो, आपने भजनकार दाऊद का नाम अवश्य सुना है और मैं जानता हूं स्वयं भजनकार दाऊद ने भजन संहिता 22 और उसके 1 और 2 में इस प्रकार से कहा, हे मेरे परमेश्वर,
तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरे अति प्रिय मित्र। और इसी भजनकार दाऊद ने एक बार अपने भजन में लिखा था, उसके फाटकों में मैं धन्यवाद के साथ प्रवेश करूंगा, वो उसके फाटक मेरे लिए खुले हैं। लेकिन इस समय ध्यान से सुने, जब आप इस वीडियो कार्यक्रम को देख रहे हैं इस समय मेरी बात को ध्यान से सुने, मेरे अति प्रिय मित्र। एक तरफ दाऊद कहता है उसके फाटकों में मैं धन्यवाद के साथ प्रवेश करूंगा, वो मेरे अति प्रिय मित्र। बहुत बार उसको ऐसा लगता था कि परमेश्वर के फाटक उसके लिए खुले हैं जहां वो जय जयकार के साथ अंदर जा सकता है। लेकिन जीवन की इस परिस्थिति के अंदर भजन संहिता 22 के अंदर हम इस बात को देखते हैं, उसने इस बात को महसूस किया है, उसके जीवनों के दरवाजे भी बंद हो गए हैं। और तब उसने आंसू बहाते हुए कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज आपकी भी यही स्थिति है? यदि ऐसी स्थिति है तो विश्वास करें, आज आपको परमेश्वर आशीष देगा। मेरे अति प्रिय मित्र, इस समय मैं आपको परमेश्वर के वचन के अंदर घटित एक महत्वपूर्ण घटना की ओर ले जाना चाहता हूं। पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसके 4थे पद को यदि आप पढ़ें तो यहां पर हम एक परमेश्वर के महान सेवक एलिय्याह के विषय में पढ़ते हैं। एलिय्याह जो कि अग्नि से भरा हुआ सेवक था। मेरे अति प्रिय मित्र, आपको मालूम है, यदि आपने बाइबल पढ़ा है तो आपको इस बात का अच्छी तरह से पता है कि एलिय्याह परमेश्वर का महान सेवक था। उसके आगे आगे परमेश्वर की सामर्थ्य चलती थी। जब वो आकाश की ओर देख करके प्रार्थना करता था, अपनी अग्नि को भेजकर वो उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता था। लेकिन मेरे अति प्रिय मित्र, यहां पर आप पाएंगे एलिय्याह ने भी इस बात को महसूस किया कि अब वो अपने जीवन में थक गया है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वो झाव के पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठ करके वो अपनी मृत्यु मांगने लगा। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, सच में वो बहुत अधिक उदास हो गया था क्योंकि रानी इजेबेल उसकी जान के पीछे पड़ी थी। मेरे अति प्रिय मित्र, और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परम शक्तिशाली परमेश्वर का सेवक एलिय्याह जो परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार नित्य प्रति जो कि चला करता था, उसने भी अपने जीवन के अंदर महसूस किया कि वो छोड़ दिया गया है। और उसने कहा, हे परमेश्वर, अब तू मुझको उठा ले क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। मेरे अति प्रिय मित्र, इस परिस्थिति का सामना उसने किया था। मैं इस समय आपको कहना चाहता हूं, शायद इस प्रकार आप भी अपने जीवन के अंदर बहुत सारे बंद दरवाजों को देखते हैं। लेकिन आज एक घटना की ओर हम चलेंगे और इस घटना का वर्णन हमें दूसरा राजा 4 और उसके 8-37 के अंदर हमें मिलता है। मेरे अति प्रिय मित्र, इस समय मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की एक घटना की ओर ले जाना चाहता हूं। इसका वर्णन हमें दूसरा राजा उसके 4:8-37 के अंदर मिलता है। यहां पर मेरे अति प्रिय मित्रों, हम परमेश्वर के बहुत बड़े सेवक एलिशा के जीवन के विषय में देखते हैं। एलिशा जो कि परमेश्वर का अग्निमय सेवक था, एलिय्याह के बाद एलिशा ने परमेश्वर की सेवा के कार्य को आगे बढ़ाया। मेरे अति प्रिय मित्र, यहाँ पर एलिशा के विषय में वर्णन है, लेकिन जब इस अध्याय के अंदर हम आते हैं, यहाँ पर एक स्त्री के विषय में हम पढ़ते हैं। इस स्त्री के विषय परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, उसका पति बहुत धनी नहीं था, वो खेतों में काम करता था। इस स्त्री की पहुँच जिस प्रकार से बाइबल बताती है, हमें ऐसा दिखता है कि बड़े बड़े राजाओं तक या इसराइल के राजाओं तक नहीं थी, वह बड़े बड़े अफसरों और नेताओं को नहीं जानती थी। उसने अपने विषय में ये कहा, मैं एक साधारण स्त्री हूँ और मैं तो अपने ही लोगों के बीच में रहती हूँ। मेरे अति प्रिय मित्र, उसके पति के विषय में परमेश्वर का वचन ये बताता है, वो मामूली खेतों में काम करने वाला व्यक्ति था। मेरे अति प्रिय मित्र, ये बिल्कुल साधारण लोग थे, मेरे और आपकी तरह। मेरे अति प्रिय मित्र, ये मजदूर लोग थे, इन्होंने अपने जीवनों में बड़ी बड़ी उपलब्धियों को नहीं देखा। लेकिन परमेश्वर का वचन ये बताता है, ये विश्वासी लोग थे। विशेष करके इस स्त्री के जीवन के विषय यदि हम पढ़ें तो परमेश्वर का वचन ये बताता है, बेशक ये स्त्री बहुत लोकप्रिय नहीं थी, बेशक इसको बहुत लोग नहीं जानते थे, लेकिन ये स्त्री एक विश्वास की महिला थी। अपने विश्वास के द्वारा उसने एक बहुत बड़ी लड़ाई को जीत लिया। मेरे अति प्रियो, हाँ, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, उसके पास औलाद नहीं थी, लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि अपने महान विश्वास के कारण उसको औलाद की आशीष मिली। मेरे अति प्रिय मित्र, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, उसके एक लड़का हुआ और वो लड़का धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस समय आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं, जब किसी घर में बहुत लंबे समय के बाद एक बच्चा हो तो वो कितने बड़े आनंद का कारण होता है। मेरे अति प्रिय मित्र, मैं इस बात को जानता हूँ, दोनों पति पत्नी अपने जीवन को बड़ी खुशी के साथ बिता रहे थे। मैं कल्पना कर सकता हूँ, उनका बच्चा जब घर में दौड़ता होगा, उनका बच्चा घर के अंदर जबकि किलकारियां मारता होगा, निश्चय उनका मन आनंद से भर जाता होगा। लंबे समय के बाद घर में बच्चे की आशीष एक बहुत बड़ी आशीष होती है। मेरे अति प्रिय मित्र, इस समय परमेश्वर की इस घटना को मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बड़ी अद्भुत बात है, बच्चा बड़ा होने लगा, उनका दाम्पत्य जीवन बड़े आनंद के साथ बीत रहा था, सब कुछ बहुत अच्छी तरह चल रहा था। लेकिन मेरे अति प्रियो, इसके 18-20 पद में एक बड़ी दर्दनाक घटना का वर्णन हमें मिलता है। और यहाँ बाइबल ये बताती है, वो लड़का जो उनके आनंद का कारण था, वो लड़का जो उनकी खुशी का कारण था, उसकी मृत्यु हो गई। मेरे अति प्रिय मित्र, यहाँ से इस स्त्री के विश्वास की लड़ाई का आरंभ होता है। 21वें पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया और तब वो उतर गई। मेरे अति प्रिय मित्रों, इससे पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि में आपको ले जाना चाहता हूँ।
ये स्त्री जब अपने जीवन को जी रही थी उन दिनों एलिशा अक्सर उसके घर के बाहर से निकला करता था। एलिशा के जीवन को देखकर वो बहुत अधिक प्रभावित थी और उसने अपने पति को इस बात के लिए सलाह दी थी कि एलिशा के लिए वो अपने घर के ऊपर एक कोठरी बनाए। मेरे अति प्रिय बाइबल इस बात को बताती है कि एलिशा अक्सर उस स्त्री के घर पर आया करता था और उसके घर की उपरोठी कोठरी पर वो ठहरा करता था। और इस समय इसी उपरोठी कोठरी का वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है। जब इसके बेटे की मृत्यु हो गई उसने अपने बेटे को गोद में उठाया, जाकर उसने अपने बच्चे को उसकी खाट पर लिटा दिया। लेकिन यहाँ आज एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन इस समय यह कहता है उसने द्वार बंद किया और वो वहाँ से बाहर निकल गई। मेरे अति प्रिय मित्र, आपको स्मरण होगा आज इस उपदेश के आरंभ में एक बात को मैंने कहा था। अक्सर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर द्वार खोल, हमारे जीवनों के द्वार खोल, हमारी परिस्थितियों के द्वारों को खोल। लेकिन मेरे अति प्रिय मित्र, यहाँ पर एक बड़ी अद्भुत घटना हम देखते हैं। इसने अपने जीवन के अंदर एक अद्भुत कार्य किया, इसने द्वार को बंद कर दिया। अक्सर हम प्रार्थना करते हैं द्वार खोल, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अद्भुत घटना हम देखते हैं, उसने द्वार को बंद किया और वो वहाँ से बाहर निकल गई। मेरे अति प्रिय मित्र, इस समय मैं आपको बाइबल की एक अद्भुत सच्चाई को बताना चाहता हूँ। द्वार उसने क्यों बंद किया? द्वार बंद करने का अर्थ है अपनी समस्याओं को पूरी तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में लाना और वहाँ किसी अन्य वस्तु को अंदर नहीं आने देना। मेरे अति प्रिय मित्र, बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर द्वार खोल, लेकिन मेरे अति प्रिय मित्र, बहुत बार क्या होता है, द्वार चारों ओर से खुले होते हैं, हम अपने जीवन की समस्याओं में उलझे होते हैं। और क्योंकि द्वार खुले होते हैं, संसार की बातें, सांसारिक अभिलाषा, जवानी की अभिलाषा, जीविका का घमंड और बहुत सारी बातें हमारे जीवनों के अंदर प्रवेश करने लगती हैं। आज एक परमेश्वर के वचन की सच्चाई का मैं आपसे वर्णन करना चाहता हूं। मेरे अति प्रिय मित्र, बहुत बार हमारे जीवनों के अंदर विश्वास का कार्य इसलिए नहीं होता कि हम प्रार्थना करते हैं द्वार खोल, हमारे जीवन के बहुत सारे दरवाजे खुले हैं। आज हो सकता है, मैं इस समय आपसे बातचीत करना चाहता हूं, संभवतः हमारी आंख का द्वार खुला है और हम नहीं जानते अपनी आंख के द्वारों के द्वारा कौन कौन सी बाहर की चीजें हमारे जीवन के अंदर आ रही हैं। हम नहीं जानते हमारे कान के द्वारों के द्वारा कौन कौन सी अन्य बातें हमारे जीवनों के अंदर आ रही हैं। मेरे अति प्रिय मित्र, बाइबल एक बात का वर्णन करती है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये सारी बातें हमारे जीवनों के अंदर बहुत विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण कई बार हमको प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। यहाँ पर हमने देखा इस स्त्री ने एक कार्य किया, इसने द्वार को बंद कर दिया। मेरे अति प्रिय मित्र, इस समय विश्वास करें, उसने अपने मरे हुए पुत्र को विश्वास के साथ उस परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और उसने द्वार बंद कर दिया। उसका अर्थ यह है, प्यारे परमेश्वर, मैं इस द्वार को इसलिए बंद कर रही हूं, अब यह द्वार बंद है, बाहर की कोई चीज इसके अंदर नहीं आएगी। यह कमरा है, इस कमरे के अंदर आपका अभिषेक भरा हुआ है और मैं नहीं चाहती अभिषेक से भरे हुए इस कमरे में किसी और वस्तु का प्रवेश हो। उसने द्वार बंद किया और वो बाहर निकल गई। मेरे अति प्रिय मित्र, मैं इस समय आपसे बातचीत करना चाहता हूं। बहुत बार आपके जीवन के अंदर आप इस बात को महसूस करते हैं, आपकी बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिलता। आप कहते हैं अजीत भाई, मैं प्रार्थना तो करता हूं लेकिन मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मुझको नहीं मिलता, क्या है कारण? मैं इस समय आपको बताना चाहता हूं, मुख्य कारण संभवतः यह है कि आपके जीवन के अंदर एक प्रार्थना निवेदन है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूँ, शायद आपके आंखों के द्वार खुले हैं, जिसके द्वारा बहुत सारी परीक्षा की बातें आपके जीवनों के अंदर आ रही हैं। शायद आपकी आंखों के द्वार से आंखों की लालसाएं आपके जीवन के अंदर आती हैं। शायद बहुत लोगों की बुराइयों को आप सुनते हैं, सुनने के कारण आपके कान के द्वार से बहुत सारी चीज़ें आपके हृदय के अंदर प्रवेश करती हैं और यही वजह है आपको अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। मेरे अति प्रिय मित्र, मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूँ, इस स्त्री ने द्वार बंद किया, इसके अंदर एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मेरे अति प्रिय मित्र, अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था द्वार बंद करें। उत्पत्ति 4 और उसके 7 के अंदर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, पाप कहीं और नहीं लेकिन वो द्वार पर ही छिपा रहता है। मेरे अति प्रिय मित्र, क्या आप अपने जीवन के अंदर आशीष पाना चाहते हैं? आज मैं आपको कहना चाहता हूं, द्वार को बंद करें। आप पूछेंगे, अजीत भाई द्वार को बंद करने की आवश्यकता क्या है? इस बात का उत्तर मैंने आपको दिया था, जितने द्वार जीवन के अंदर खुले होंगे उतनी बाहर की वस्तुएं हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करेंगी। मेरे अति प्रिय मित्र, मैं आपको सलाह देता हूं, जीवन के अंदर आशीष चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन के बहुत सारे बंद दरवाजे खुल जाएं? तो आज आपको परमेश्वर का वचन एक बात की सलाह देता है, पहले द्वारों को बंद करें और परमेश्वर के अभिषेक को अपने जीवन के अंदर कार्य करने दें और उसके बाद आपके द्वार अपने आप खुल जाएंगे। मेरे अति प्रिय मित्र, ये स्त्री इस बात को जानती थी, जब तक दरवाजा खुला रहेगा इसके जीवन के अंदर की वो समस्या हल नहीं होगी। ये स्त्री इस बात को जानती थी, जब तक दरवाजा खुला रहेगा बहुत सारी चीजें अंदर आती रहेंगी। ये स्त्री इस बात को जानती थी, परमेश्वर के भक्त का वो कमरा है, वो अभिषेक से भरा हुआ है, यदि मैं अपने बेटे को वहां पर लिटाऊंगी
तो परमेश्वर तो कार्य करेगा, लेकिन मेरा कार्य है द्वार को बंद करना। इस समय मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ मेरे अति प्रिय भजन संहिता 141 और उसके 3 में। हाँ, परमेश्वर के भक्त दाऊद ने इस प्रकार से कहा, हे परमेश्वर मेरे मुंह पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। ओ मेरे अति प्रिय मित्र, मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूँ, राजा दाऊद इस बात को लेकर के कितना चौकस था कि उसके मुख का द्वार हमेशा बंद रहे। उसने परमेश्वर से इस बात का निवेदन किया, प्यारे परमेश्वर मेरे मुख के द्वार को बंद कर, मेरे मुख के द्वार की चौकसी कर। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हजारों परिवार हैं जहां पर लगातार तलाक होते हैं। ओ मेरे अति प्रिय मित्रों, हजारों रिश्ते हैं जो कि टूट जाते हैं। क्यों? आज मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, संभवतः आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं इसलिए हल नहीं होती, आपके मुख का द्वार खुला है और जो कुछ आपके मन में आता है आप बातें करने लगते हैं। मेरे अति प्रियो, सब प्रकार की ईर्ष्या, सब प्रकार की निंदा, वो सब प्रकार के अभिमान और डींग और चुगली की बातें जब हमारे मुंह से बाहर निकलती हैं, मुंह का द्वार जब खुलता है, मेरे अति प्रिय मित्र, बहुत बार हमारे जीवन के अंदर आशीष नहीं मिलती। आज परमेश्वर एक बात को कहना चाहता है, आशीष पाना चाहते हो, अपने मुख के द्वार को बंद रखो, इस बात की आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे जीव की चौकसी करूं और मैं तुमको आशीष दूंगा। मेरे अति प्रिय मित्र, इसी भजन संहिता के अंदर राजा दाऊद ने और एक बात की प्रार्थना की और उसने कहा, प्यारे परमेश्वर मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। ओ मेरे अति प्रिय मित्र, इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजा दाऊद इस बात को लेकर के बड़ा सावधान था कि उसकी आंखों के द्वारा कोई अपराध ना हो जाए। उसने कहा, प्यारे परमेश्वर मेरी आंखों को भी व्यर्थ वस्तुओं से फेर दे। आज मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के वचन के अंदर इसी स्त्री के विषय में देखेंगे तो आपको एक बात का पता चलेगा, इस पूरे अध्याय को यदि आप अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा, इस स्त्री ने द्वार को बंद किया और वो वहां से निकल गई और सीधा वो एलिशा के पास गई। मेरे अति प्रिय मित्र, एक बात को इस समय ध्यान के साथ सुने, ये स्त्री इस बात को जानती थी, द्वार बंद है, मैंने प्रार्थना के द्वारा अपने बच्चे को उस कमरे के अंदर लिटा दिया है, अब मेरा कार्य अब उस द्वार को खोलना नहीं, लेकिन मेरा कार्य अब यह है कि मैं परमेश्वर के भक्त के पास जाऊं और मैं उससे कहूं, तू ही मेरी इस समस्या को हल कर। मेरे अति प्रिय मित्र, इस समय ध्यान के साथ सुने, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, इस स्त्री ने विश्वास के द्वारा अपने बच्चे को जीवित वापस पा लिया। मेरे अति प्रिय मित्र, इस समय आप ध्यान के साथ सुने, मैं आपसे इस समय बातचीत करना चाहता हूं। इस समय परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है, इस स्त्री ने विश्वास की लड़ाई को यहां से आरंभ किया, उसने द्वार बंद किया और द्वार बंद करने के बाद उसने स्वयं नहीं खोला, लेकिन परमेश्वर का वचन यह कहता है वो वहां से निकली और वो सीधा वहां से परमेश्वर के सेवक एलिशा के पास गई। मेरे अति प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक बात की सलाह दूंगा, अपनी प्रार्थनाओं को, अपने प्रार्थना निवेदन को अपने हृदय के अंदर रखें और परमेश्वर से एक बात की प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे जीवन के उन सारे द्वारों को बंद कर दे जहां से आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और संसार की बुरी बुरी वस्तुएं मेरे जीवन के अंदर प्रवेश करती हैं। प्रार्थना के साथ कहें, प्यारे परमेश्वर मैंने अपने प्रार्थना निवेदन को अपने मन के अंदर रखा है और इस समय अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने मुंह को और अपने उन सारे द्वारों को जहां से कि बुरी बुरी परीक्षाएं मेरे जीवन के अंदर आती हैं, मैं बंद करता हूं और जिस प्रकार से इस स्त्री ने किया आज मैं भी करना चाहता हूं। मेरे प्रिय मित्र, अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या आप जानते हैं इस स्त्री ने क्या किया? इसने द्वार बंद किया और उसके बाद उसने स्वयं द्वार नहीं खोला, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है वो सीधा एलिशा के पास गई। अब परमेश्वर का वचन ये कहता है, एलिशा उसके साथ वहां से आया और आकर उसने उस कमरे के अंदर प्रवेश किया, उसने स्वयं द्वार को खोला और एलिशा के अंदर प्रवेश करने के बाद आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि वो बच्चा जीवित हो गया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, इससे पहले कि ये वीडियो कार्यक्रम समाप्त हो, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे प्रियो आपको क्या करना है, ठीक उसी प्रकार से करना जिस प्रकार से इस स्त्री ने किया। अपने प्रार्थना निवेदन को इसने उस कमरे के अंदर बंद कर दिया। आज मैं कहना चाहता हूँ, क्या आपके पास इस समय कोई प्रार्थना निवेदन है? अपनी बीमारी की पीड़ा को, इस समय अपनी बेरोजगारी की पीड़ा को, मैं कहना चाहता हूँ, इस समय अपने छोड़े जाने की पीड़ा को अपने हृदय के अंदर रखें। इस समय कहें, प्यारे परमेश्वर ये सच है, इस समय अपने मन की सारी पीड़ा को मैंने अपने हृदय के अंदर रखा है, लेकिन प्यारे परमेश्वर जिस प्रकार से इस स्त्री ने किया मैं भी आज करता हूँ। आज तक शायद इसने मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई, मेरे जीवन के सारे दरवाजे खुले थे, आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे जीवन के सारे द्वारों को बंद कर। मेरे अति प्रिय मित्र, इस समय ध्यान से सुने, इस स्त्री ने क्या किया? द्वार बंद करके वो एलिशा के पास गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको क्या करना है, द्वार को बंद करें और एकांत में अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पास जाएं, उसके पास जाएं। अब मेरे अति प्रिय मित्र, विश्वास करें, जिस प्रकार से एलिशा उसके साथ साथ चलता हुआ, उस स्त्री के साथ साथ चलता हुआ उस कमरे तक आया, विश्वास करें, इस समय जब आप कहेंगे, प्यारे यीशु अपने दिल के द्वारों को अब मैंने बंद कर दिया है, अब मैं चाहता हूं केवल तू ही इस दिल के अंदर का स्वामी हो। आपके दिल के अंदर क्या क्या बातें हैं इस बात को आप जानते हैं? मेरे अति प्रिय मित्र, इस समय आप इस बात को कह सकते हैं, प्यारे यीशु मसीह इस समय तू मेरे साथ चल, तू ही चल और तू ही इस समय मेरे दिल के द्वार को खोल। प्यारे यीशु तू मेरे दिल के अंदर आ और मैं जानता हूँ
मेरे जीवन के अंदर की सारी वो बातें जो अभी तक उस मरे हुए बच्चे के समान पड़ी हैं, एक बार फिर से जीवित हो जाएंगी, एक बार फिर से मैं चंगा हो जाऊंगा, एक बार फिर से मेरी मरी हुई भावनाएं। मेरे अति प्रिय मित्र, मैं कहना चाहता हूं, शायद आपके प्रार्थना करने की इच्छा उसी बच्चे की तरह मर गई है, शायद आपके वचन पढ़ने की इच्छा उसी बच्चे की तरह मर गई है, शायद आपकी बहुत सारी जीने की इच्छा उसी बच्चे की तरह मर गई है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, अपने परमेश्वर से इस समय सीधी बातचीत करें इससे पहले कि यह कार्यक्रम समाप्त हो। प्यारे परमेश्वर, उस स्त्री ने द्वार बंद किया था, आज मैं भी अपने जीवन के सारे द्वारों को बंद करता हूँ जहाँ से दुनिया की अभिलाषाएं मेरे अंदर आती हैं, मैंने बंद किया है और अब मैं तेरी ओर देखता हूँ। आ मेरे दिल को इस समय चंगा कर। और परमेश्वर आज आपको बहुत आयत के साथ आशीष देगा, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।